हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टेप अप आई गेस एंड वी आर गोइंग टू स्टार्ट टुडेज न्यूज़ एनालिसिस फ्रॉम पीआईबी एंड द हिंदू। आज 5 अक्टूबर है और देखते हैं इंपॉर्टेंट न्यूज़ कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले जो न्यूज़ हमें डिस्कस करना है वो पेज नंबर 1 पर है। आरबीआई होल्ड्स इंटरेस्ट रेट्स वॉर्न अगेंस्ट फिस्कल लेक्सिटी। तो आरबीआई ने हालांकि वॉर्न किया है गवर्नमेंट को कि ये जो फिस्कल डिसिप्लिन है उसको बनाए रखें। तो आपको पता होना चाहिए दो तरीके की पॉलिसी होती है, एक मॉनेटरी पॉलिसी और फिस्कल पॉलिसी। तो जो मॉनेटरी पॉलिसी होती है उसको आरबीआई डिसाइड करती है और उसके प्रोज एंड कॉन्स का ध्यान आरबीआई रखती है, और जो फिस्कल पॉलिसी है वो उसको गवर्नमेंट के द्वारा चैनलाइज किया जाता है या गवर्नमेंट के द्वारा लिए गए जो भी लेन देन होते हैं उसमें वो फिस्कल पॉलिसी में आते हैं। तो यहाँ पे एक बात कही गई है मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी से जुड़ी हुई कि अभी ये जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है ये जो इन्फ्लेशन रेट है उसको तय करती है, मेज़र करती है एंड काफ़ी सारे टर्म्स फिक्स कर दिए गए हैं आरबीआई के लिए। एक तरीके से आरबीआई को थोड़ा थोड़ा बांध दिया गया है कि आपको 2 ± 4% के अंदर में ही इन्फ्लेशन को रखना पड़ेगा। कितना है वो? 2 ± 4% ऑफ़ द इन्फ्लेशन शुड बी देयर इन द मार्केट, जिसमें कि काफ़ी परेशानी भी आ रही है। आपने कई सारे एडिटोरियल्स डिस्कस किए होंगे इस रिगार्डिंग। तो आज देख लेते हैं कि मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी क्या है। ये इसको देखिए, ये रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया के अंदर इसको बनाया गया है ये कमेटी, और ये क्या करती है, फिक्स करती है इंटरेस्ट रेट को इंडिया में। इसके अलावा इनकी मीटिंग साल में 4 बार होती है, 4 times इनकी मीटिंग होती है और ये अलग अलग तरीके से रेट बताते हैं। एंड इसमें 6 members होते हैं इस कमेटी में, 6 member होते हैं जिसमें कि 3 officials जो हैं वो आरबीआई से होते हैं और 3 जो हैं वो एक्सटर्नल मेंबर नॉमिनेटेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो 3 आरबीआई के मेंबर हो गए 6 member में से, और 3 ऐसे हो गए जिनको कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नॉमिनेट करती है। इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है कि 2016 में इसको बनाया गया था टू ब्रिंग द ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी इन फिक्सिंग इंडियाज़ मॉनेटरी पॉलिसी। तो अगर मेंस में क्वेश्चन आता है फिर तो आपको बहुत लंबा चौड़ा आंसर लिखना पड़ेगा कि जो एमपीसी है उसका उसके क्या बेनिफिट्स हैं या इम्पैक्ट है। तो आप उसको अपने अकॉर्डिंग लिख सकते हैं, उसमें आप पॉजिटिव नेगेटिव दोनों एस्पेक्ट डाल सकते हैं कि इसने जो इतने स्ट्रिक्ट कर दिए हैं मेज़र्स को इन्फ्लेशन में, तो उसमें एक लिक्विडिटी को मेंटेन करने में काफ़ी दिक्कत आ रही है आरबीआई के लिए। ये तो नेगेटिव पॉइंट हो गया, बाकी पॉजिटिव बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं। पहला तो ट्रांसपेरेंसी ही है, इससे ट्रांसपेरेंसी आएगी और अकाउंटेबिलिटी आएगी, और कुछ जो और इन्फॉर्मेशन है उसको आप ध्यान में रखेंगे। अगला न्यूज़ पेज नंबर 2 पर है, ट्रांसपोर्ट पॉलिसी नीड्स टू बी रिव्यूड। एक्सपर्ट ने कहा है कि जो ट्रांसपोर्ट पॉलिसी है दैट इज़ अ नेशनल अर्बन ट्रांसपोर्ट पॉलिसी 2006 में आई थी, इसको और रिव्यू करने की आवश्यकता है, इसको थोड़ा चेंज करने की आवश्यकता है, ऐसा एक्सपर्ट्स मान रहे हैं। तो देखिए, देख लेते हैं कि नेशनल अर्बन ट्रांसपोर्ट पॉलिसी क्या है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या था। दिस पॉलिसी इज़ टू इंश्योर सेफ, अफोर्डेबल, क्विक, कम्फर्टेबल, रिलायबल एंड सस्टेनेबल एसेस फॉर ग्रोइंग नंबर ऑफ द सिटीज रेसिडेंट्स टू जॉब, एजुकेशन एंड द अदर नीड्स। तो यहाँ पे इनका पहला ऑब्जेक्टिव क्या था कि अफोर्डेबिलिटी क्रिएट करना, सेफ और इंश्योर एनवायरमेंटल एसेस प्रोवाइड करना ताकि जो लोग हैं वो इस जगह से दूसरी जगह तक सिक्योरली जा पाएँ। इसके अलावा इनकॉर्पोरेटिंग अर्बन ट्रांसपोर्टेशन एज एन इम्पॉर्टेंट पैरामीटर एट द अर्बन प्लानिंग स्टेज। तो आपको क्वेश्चन भी मिला होगा, अभी आपने एडिटोरियल देखा था अर्बनाइजेशन पे, तो जैसे कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है कि व्हाट इज़ द प्रॉब्लम एसोसिएटेड विद द अर्बन एरियाज और इश्यूज़। तो यहाँ पे एक एक आप पॉइंट्स लिख सकते हैं कि ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम शुड बी अवेलेबल इन अ गुड कंडीशन, क्योंकि अगर ट्रांसपोर्टेशन में दिक्कत रहेगी तो पूरा जो शहरीकरण है वही अस्त व्यस्त रहेगा, फिर आपके रूरल एरियाज़ में और शहर में कोई बहुत अंतर नहीं रहेगा। दूसरी चीज़, अर्बन एरियाज़ में क्या होता है, पॉपुलेशन भी बहुत ज़्यादा होती है और लोगों को टाइम पे अपने ऑफिस में पहुंचना होता है, बच्चों को स्कूल में पहुंचना होता है, तो उसमें अगर एक ये ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम अच्छा नहीं रहेगा, हालांकि मैंने बहुत छोटी छोटी बात की, तो पूरा का पूरा जो ट्रेड है वो इसी पर बेस्ड होता है। तो इसलिए बहुत आवश्यक है कि अर्बन एरिया में जो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है वो बहुत अच्छा हो। एंड इट इनकरेजिंग इंटीग्रेटेड लैंड यूज़ एंड ट्रांसपोर्ट प्लानिंग इन ऑल सिटीज़ सो दैट, अगर ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम अच्छा, जैसे कि आप देख सकते हैं कि मेट्रो जो दिल्ली में है, दिल्ली मेट्रो काफ़ी ज़्यादा कारगर है और बहुत हेल्पफुल है। आप समझ सकते हैं कि आप बहुत कम समय में एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाते हैं,
साथ ही साथ टाइम ट्रेवल बहुत कम लगता है, बहुत कम समय में आप बहुत लंबी दूरी तय कर। अर्बन ट्रांसपोर्ट पॉलिसी का इसको ध्यान में रखेंगे। अगला न्यूज़ पेज नंबर 3 पर है, NGT ऑर्डर्स जॉइंट इंस्पेक्शन ऑफ कैनाल। तो NGT के बारे में पता है आज, वैसे हम लोग देख लेंगे इसको अभी। हालांकि उन्होंने इंस्पेक्शन के लिए बोला है कि जो कैनाल्स हैं और वही जो भी एनवायरमेंटल इश्यूज वहाँ पे क्रिएट हो रहे हैं उसके लिए इन्होंने ऐसा ऑर्डर दिया है। तो NGT के बारे में एक बार रिविजन कर लेते हैं आज, वैसे तो आपको याद होगा। इसमें देखिए, इसको नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट 2010 के तहत बनाया गया था और ये आर्टिकल 21 से गेन करते हैं। और जैसा कल मैंने इसको बताया था कि ये क्वासी जुडिशियल बॉडी है, और फिर कुछ किसी ने क्वेश्चन पूछा है मुझसे कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी एंड द क्वासी जुडिशियल बॉडी। तो जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है वो, उसका मतलब ये होता है कि उस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, उस चीज़ के बारे में कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशनड है। जैसे आप कोई आर्टिकल पढ़ते हैं, आर्टिकल इतने में ये चीज़ लिखी गई है, तो वो उसका मतलब हो गया कि वो कॉन्स्टिट्यूशनल है, दैट इज़ अ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट विद यू। लेकिन तो क्लियर है कि कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ जो हैं दैट इज़ मेंशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन, और यहाँ पे कोई कंपैरिजन नहीं है कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ का क्वासी जुडिशियल बॉडीज़ के साथ। तो क्वासी जुडिशियल बॉडीज़ जो होते हैं वो पावर गेन किसी एक्ट के थ्रू भी कर सकते, जैसे कि NGT के पास NGT एक्ट 2010 से राइट्स मिला हुआ है। ये एक जुडिशियल बॉडी की तरह काम करती है, इनके पास कुछ मुद्दों पर अधिकार होता है कि ये सुमोटो कर सकते हैं, समन कर सकते हैं। जैसे कि कोई भी एनवायरमेंटल इशूज़ हैं तो वहाँ पर इनके पास अधिकार होता है NGT के पास कि ये क्वेश्चन कर सकते हैं एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन या प्राइवेट इंस्टीट्यूशन को। फाइन, सेकेंडली जैसे NHRC है वो भी इसी तरीके से काम करती है। तो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है आप लोगों को। जो चेयरमैन होते हैं वो सुप्रीम कोर्ट के जज हो सकते हैं या फिर चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट हो सकते हैं। ये लोग एलिजिबल होते हैं चेयरपर्सन के लिए। इसके अलावा उसमें जुडिशियल मेम्बर्स होते हैं इस ट्रिब्यूनल में, और रिटायर्ड जज ऑफ हाई कोर्ट इज़ क्वालिफाइड टू अपॉइंट एज अ जुडिशियल मेंबर। तो जो रिटायर्ड जज होते हैं हाई कोर्ट के, उनको जुडिशियल मेंबर के तौर पे इसमें रखा जा सकता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं NGT के बारे में, इसको याद रखेंगे। अगला न्यूज़ है पेज नंबर 17 पर, RBI फ्लेज बैंक फॉर कीपिंग रेट्स हाई। तो यहाँ पे स्टेट को हाई रखती है, उसी से जुड़ा हुआ पूरा न्यूज़ है। तो इसमें इम्पॉर्टेंट हमारे लिए है MCLR के बारे में जानना कि मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड बेस्ड लेंडिंग रेट क्या होता है। MCLR बहुत इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है क्योंकि अभी ये इंट्रोड्यूस हुआ है। तो देखिए, जो मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड बेस्ड लेंडिंग रेट है, इट रेफर्स टू द मिनिमम इंटरेस्ट रेट ऑफ बैंक बिलो विच इट कैन नॉट लेंड। तो एक मिनिमम रेट फिक्स कर दिया जाएगा, इंटरेस्ट रेट फिक्स कर दिया जाएगा कि इसी रेट पर जो बैंक है वो लोन प्रोवाइड करेगी दूसरे लोगों को। तो इसमें इट एक्सपेक्ट इन सम केसेस अलाउड बाय द RBI, बैंक है वो लेंड नहीं कर सकती, उतने इंटरेस्ट रेट पे आपको मतलब लोन देना है वो उसी रेट के अकॉर्डिंगली देना है। इसका उद्देश्य क्या है, बेसिकली टू इम्प्रूव द ट्रांसमिशन ऑफ पॉलिसी रेट्स into the lending rates of the bank। तो पॉलिसी रेट्स बोला जाता है रेपो रेट को, कि अगर RBI ने रेपो रेट को बढ़ाया घटाया है तो उसका जो इम्पैक्ट है वो दिखना चाहिए। जो और बैंक्स हैं उसमें भी वो चीज़ दिखनी चाहिए कि हाँ, अगर रेपो रेट घटा है तो उसी के अकॉर्डिंगली बैंक भी अपना लेंडिंग रेट रखे, इंटरेस्ट रेट रखे। सेकेंडली, टू ब्रिंग ट्रांसपेरेंसी इन द मेथडोलॉजी फॉलोड बाय द बैंक्स। तो बैंक जो ये आप देखते हैं NPA का बहुत ज़्यादा इशू होता है और बहुत सारे लोग पैसे लेके जाते हैं वो वापस नहीं करते हैं, तो इससे ऐसा नहीं होता कि सिर्फ उस बैंक का नुकसान होता है बल्कि उस बैंक से जुड़े हुए जितने भी लोग हैं उनका भी नुकसान होता है और ओवरऑल कंट्री का बहुत बड़ा नुकसान होता है। तो एक ट्रांसपेरेंसी लेके आने के लिए कि बैंक जो लेंडिंग करती है, पैसे देती है, उसमें उसके मेथडोलॉजी में पूरी पूरी ट्रांसपेरेंसी हो, इसीलिए इस रेट को इंट्रोड्यूस किया गया है। एंड टू इंश्योर अवेलेबिलिटी ऑफ द बैंक क्रेडिट एट इंटरेस्ट रेट विच आर फेयर टू बोरोवर एज वेल एज द बैंक, कि जो लोन ले रहे हैं उनके लिए भी ये इंटरेस्ट रेट फेयर हो और जो लोन दे रहे हैं उनके लिए भी फेयर हो। द मोर कॉम्पिटिटिव एंड एनहांस देयर लॉन्ग रन वैल्यू एंड कॉन्ट्रीब्यूशन टू द इकोनॉमिक ग्रोथ, कि इसमें जो बैंक है उनका एक अच्छा कॉन्ट्रीब्यूशन हो टूवर्ड्स द इकोनॉमिक ग्रोथ। ऐसा ना हो कि बस बहुत सारे NPAs हो जाएं और फिर जो हमारी इकोनॉमी है वो गड्ढे में चली जाए। तो इसके लिए बहुत अच्छी कोशिश की गई है थ्रू द MCLR। तो इस कॉन्सेप्ट को प्लीज़ समझने की कोशिश करें और इसको नोट्स जरूर इसका बना लें, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, अभी भी इंट्रोड्यूस हुआ है तो इस पर क्वेश्चन पूछे जाने की पूरी संभावना है।
अगला न्यूज़ PIB का है, TRDO ट्रांसफर्स टेक्नोलॉजी फॉर बुलेट प्रूफ जैकेट। तो एक बुलेट प्रूफ जैकेट बनाया है DRDO ने, आपने इसको न्यूज़ में पढ़ा भी होगा पहले। तो अभी इस टेक्नोलॉजी को ट्रांसफ़र करने के लिए जा रही है, ये इतना भी इम्पॉर्टेंट नहीं है, बट जान लेते हैं कि MKU लिमिटेड कानपुर जो है उनको ये टेक्नोलॉजी को ट्रांसफ़र कर रहे हैं, और इसमें इंडियन आर्मी और पैरामिलिट्री फोर्सेस पर्सनल्स के लिए बनाए जाएंगे जैकेट, बुलेट प्रूफ जैकेट। तो ये बहुत अच्छा एक कॉन्ट्रीब्यूशन है टू प्रोटेक्टिंग द फोर्सेस, है ना। जितने आप देखते हैं कि कितने जवान की मृत्यु हो जाती है, और तो इसलिए उनको प्रोटेक्ट करने के लिए बहुत अच्छा कदम है ये DRDO का। इसका आप एग्जांपल के तौर पे यूज़ कर सकते हैं, या फिर ये जो बुलेट प्रूफ जैकेट किसने बनाया है, किसने डिज़ाइन किया है, तो ये DRDO ने किया है, ठीक है। इसके अलावा लेबोरेटरी ऑफ DRDO, दिस टेक्नोलॉजी इज़ चैलेंजिंग एंड वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट मेच्योर्ड पर्सनल प्रोटेक्शन सिस्टम डेवलप्ड बाय द DRDO। सभी हमने डिस्कस कर लिया, तो इम्पॉर्टेंट है ये। अगला न्यूज़ है पर्यटन पर्व, ये टूरिज़्म मिनिस्ट्री जो है उन्होंने इसको लॉन्च किया है, पर्यटन पर्व। ये 5 अक्टूबर से 25 अक्टूबर तक होने वाला है, यानी कि आज से। तो इसमें 3 चीज़ें हैं, 3 कंपोनेंट्स इसमें देखे गए हैं। एक तो है देखो अपना देश, तो जितने भी बाहर से लोग आएंगे, जो फॉरेन विजिटर्स होंगे, इंडियंस जो बाहर रह रहे हैं, उनको इनकरेज करना टू विज़िट आवर कंट्री। एंड सेकेंडली टूरिज़म फॉर ऑल, ये हर राज्य के लिए टूरिज़म को प्रमोट करना, टूरिज़म को बढ़ावा देना। एंड टूरिज़म एंड गवर्नेंस, इंटरेक्टिव सेशन एंड वर्कशॉप विद द स्टेक होल्डर्स इन द वेरियस थीम्स, जैसे कि स्किल डेवलपमेंट इन टूरिज्म सेक्टर, इनोवेशन इन टूरिज्म। मतलब ओवरऑल समझ सकते हैं कि टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए इन सारी चीज़ों का, इन टूल्स का इस्तेमाल किया जाएगा। तो बहुत अच्छा है ये इनिशिएटिव। किसका है? पर्यटन पर्व, ये याद रखिएगा। वैसे तो क्लियर है टूरिज्म मिनिस्ट्री का ही होगा, और अभी ये 5 से 25 अक्टूबर तक होने जा रहा है, और ये सारे इसमें थीम्स में देखे गए हैं इनको। अगला न्यूज़ है प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, ये हमने कई बार डिस्कस किया है, आज फिर से देख लेते हैं। तो देखिए, अभी न्यूज़ में इसलिए आया क्योंकि अभी इस पर एक सेशन ऑर्गेनाइज़ हो रहा है, एक कैंप लग रहा है, प्रमोशन कैंप लगा है हैदराबाद में प्रधानमंत्री मुद्रा योजना पे। इसमें 70% जो बेनिफिशरीज़ हैं वो वुमेन हैं, इसी सबसे अच्छी बात ये है। तो अगर आपको वुमेन के लिए गवर्नमेंट क्या काम करती है उनको प्रमोट करने के लिए बिजनेस में, तो आप वहाँ पे डायरेक्ट इस लाइन को लिख सकते हैं कि 76% वुमेन इन दिस बेनिफिशरीज़ ऑफ मुद्रा योजना, कि गवर्नमेंट की जो ये मुद्रा योजना है इसमें 76% जो बेनिफिशरीज़ हैं वो वुमेन है। दूसरा कि 55% बेनिफिशरीज जो हैं वो SC/ST एंड OBCs और माइनॉरिटीज़ हैं। इसके अलावा जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है इसका वो देख लेते हैं। इसमें कैटेगरीज़ हैं इस योजना में, कि 50,000 तक का जो लोन मिलता है उसको शिशु कैटेगरी बोलते हैं, जैसे कि आपके जो कुटीर उद्योग में महिलाएं काम करती हैं, सिलाई कढ़ाई बुनाई का, उनको भी प्रमोट करने के लिए उनको भी लोन देने की सुविधा इसमें रखी गई, क्योंकि देखिए उनके पास कोई ऐसा कोलेटरल नहीं होता है जिसको वो बैंक में दे करके बहुत ज़्यादा पैसा लोन में उठा पाएँ। तो ये एक गवर्नमेंट की तरफ से एक इनिशिएटिव है स्टैंड अप इंडिया के लिए, 50,000 वो लोन में ले सकती हैं। दूसरा किशोर कैटेगरी है, इस किशोर कैटेगरी में 50,000 से लेकर के 5,00,000 तक का रखा गया है। और उसका तीसरी कैटेगरी आती है तरुण कैटेगरी, जिसमें कि 5,00,000 से 10,00,000 तक का जो टारगेट है या कैटेगरी है उसको रखा गया है, इम्पॉर्टेंट है। अगला न्यूज़ है PMIS मोबाइल ऐप, ये हमने कल भी डिस्कस किया था, रिविजन के तौर पर मैंने इसको रखा है। PMIS मोबाइल ऐप, पहले तो आपको पता होना चाहिए जो मोबाइल एप्लीकेशन है इसको डेवलप किसने किया है, तो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया NHAI ने इसको लॉन्च किया है। इसके अलावा इसका क्या उद्देश्य होगा, तो जितने भी प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग होंगी, मतलब कि पूरे भारत में कितने प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, अब हमने एक दिन डिस्कस किया था ना कि 2022 तक जो प्रोजेक्ट्स कंप्लीट होने हैं उनमें कितना काम हुआ है, वो इसी एप्लीकेशन के द्वारा ट्रैक किया जाएगा, देखा जाएगा। तो बहुत अच्छा इनिशिएटिव है ये, एक गवर्नेंस को शो करता है, एक मैक्सिमम गवर्नेंस को शो कर रहा है ये। अगला न्यूज़ है प्लेटफॉर्म फॉर इफेक्टिव एनफोर्समेंट फॉर नो चाइल्ड लेबर पेंसिल पोर्टल। तो देखिए ये पेंसिल पोर्टल बहुत इंपॉर्टेंट, अगर आप चाइल्ड लेबर पे लिख रहे हों आंसर तो आप बेझिझक इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ये एग्जांपल में लिख सकते हैं कि ये सारे ऐसे टूल्स हैं, मैकेनिज़म्स हैं जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लॉन्च कर रही है चाइल्ड लेबर फ्री कंट्री बनाने के लिए, ठीक है। इसका फुल फॉर्म क्या है, प्लेटफॉर्म फॉर इफेक्टिव एनफोर्समेंट फॉर नो चाइल्ड लेबर पेंसिल पोर्टल, ठीक है।
इसको अभी लॉन्च किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के द्वारा, और इसका उद्देश्य क्या होगा, इसमें एक सेंट्रल, स्टेट और डिस्ट्रिक्ट तीनों गवर्नमेंट को शामिल किया जाएगा, सिविल सोसाइटीज़ को शामिल किया जाएगा और टारगेट किया जाएगा कि चाइल्ड लेबर फ्री सोसाइटी बन पाए। तो इसमें SOP इसका भी प्रावधान है कि स्टैंडिंग ऑपरेटिंग प्रोसीडर्स, एक लीगल फ्रेमवर्क तैयार किया जाएगा अगेंस्ट चाइल्ड लेबर, मतलब टफ सिचुएशन बनाई जाएगी, टफ प्रोज एंड कॉन्स या फिर लॉज बनाए जाएंगे टू प्रोटेक्ट द चाइल्ड, है ना, या जो भी इस काम में शामिल होते हैं, चाइल्ड लेबर को प्रमोट कर रहे हैं, उनको कड़ी से कड़ी सज़ा दिलाई जाएगी। तो इसका बैकग्राउंड एक बार देख लेते हैं। नेशनल चाइल्ड लेबर प्रोजेक्ट स्कीम NCLPS, इसी का जो नेक्स्ट वर्जन है वो पेंसिल है, ठीक है। तो ये ऑलरेडी ये स्कीम इंडिया में थी, 1988 में इसको स्टार्ट किया गया था चाइल्ड लेबर रिहैबिलिटेशन के लिए। तो ये जो प्रोजेक्ट था, इसमें इनका उद्देश्य था सर्वे करना, ये बड़े बड़े ग्रुप्स को आइडेंटिफाई करते थे, और फिर जो भी बच्चे हैं 9 to 14 ईयर्स के, जो भी मतलब चाइल्ड लेबर में देखे गए हैं, उनको लाना, उसके बाद उनकी वोकेशनल ट्रेनिंग था, वो क्या था, प्रिपेयरिंग देम टू बी अ मेन स्ट्रीम इन टू द फॉर्मल सिस्टम ऑफ एजुकेशन। तो उन बच्चों को जो चाइल्ड लेबर से ग्रसित हैं और वो काम कर रहे थे, उनको एक सही ट्रेनिंग प्रोवाइड करना और मेन स्ट्रीम से ला के जोड़ना, ताकि उनको एक अच्छा भविष्य मिल सके, इसके लिए पूरा ये काम कर रहे थे। सो थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर बीइंग विद मी हेयर एंड वॉचिंग दिस वीडियो, और प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें और जो बेल का नोटिफिक करें, क्योंकि जो आप यहाँ से जो भी इनिशिएटिव्स आते हैं वो आप तक पहुँच नहीं पाते हैं, तो अगर आप नोटिफिकेशंस को ऑन करेंगे तो आप तक वो नोटिफिकेशंस आ जाएंगे। सो थैंक यू वेरी मच, पढ़ते रहिए, पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है एज़ वी नो ऑल, एंड कीप राइटिंग, बिकॉज राइटिंग इज़ अ की फैक्टर फॉर टेकिंग सेलेक्शन हेयर। So thank you very much. Thanks a lot. Keep studying.